मिल जाते हैं कि इन्हें देख पाना मुश्किल हो जाता है। स्टिक इंसेक्ट। इस जीव को स्टिक इंसेक्ट के साथ साथ वॉकिंग स्टिक्स भी कहा जाता है, क्योंकि जब ये चलता है तो ऐसा लगता है कि कोई लकड़ी का टुकड़ा चल रहा है। इस इंसेक्ट को पहली नजर में देखने में किसी लकड़ी के टुकड़े जैसा ही दिखता है, जिसकी वजह से ये अपने आप को टहनियों में आसानी से छुपा लेता है। ये इंसेक्ट अपनी लकड़ी जैसी शरीर के बनावट की वजह से अपने दुश्मनों को जल्दी नजर नहीं आता। आमतौर पर ये हरे या भूरे रंग के ही दिखाई देते हैं। वहीं कुछ प्रजातियां खतरे से बचने के लिए अपने रंग को बदलने में भी माहिर होते हैं। अगर इनके आकार की बात करें तो मादा स्टिक इंसेक्ट नर से लंबी होती है। शिकारी जीव जंतुओं से अपने आप को बचाने के लिए ये दिन के उजाले में मुश्किल से ही हिलते डुलते नजर आते हैं। डेड लीफ मैंटिस। ऐसे कई जानवर हैं जो अपने रंग की वजह से प्रकृति में खो से जाते हैं, उन्हें पहचानना मुश्किल हो जाता है। पेड़ पौधों की पत्तियों के जैसा दिखने वाला डेड लीफ मैंटिस अपने आप को इतनी खूबसूरती से पत्तियों में छुपा लेता है कि पत्ती और मैंटिस में फर्क कर पाना मुश्किल हो जाता है। हरे पत्तों से घिरे होने पर उसकी स्किन हरे रंग की और पेड़ के तने की छाल या जमीन पर जाने पर ब्राउन कलर की हो जाती है, जिससे ये शिकारी जीव जंतु से अपने आप को बचा लेता है। ऑर्चिड प्रेइंग मैंटिस। साउथ ईस्ट के वर्षा वनों में पाया जाने वाला ये खूबसूरत जीव है ऑर्चिड प्रेइंग मैंटिस। ये फूलों के रंगों में इतना घुल मिल जाता है कि इसे देखकर लगता है मानो ये फूल का ही एक हिस्सा है। रंग बदलने और फूलों के जैसे मिलते जुलते आकार में रहने से ये शिकार को चकमा देकर आसानी से पकड़ लेता है, वही शिकारियों की नजर से बचा भी रहता है। फूलों की पंखुड़ियों पर रहने वाला मैंटिस दिखने में बेहद कोमल और सुंदर दिखता है, लेकिन ये एक कार्निवरस यानी मांसाहारी जीव है। ये पलक झपकते ही अपने शिकार को पकड़कर खाना शुरू कर देता है। फिलिडाई लीफ इंसेक्ट्स। आमतौर पर साग सब्जियों में हमें अक्सर कीड़े दिखाई देते हैं और हम उन्हें आसानी से निकालकर हटा भी देते हैं, लेकिन कुछ कीड़े ऐसे भी होते हैं जो अक्सर आंखों को धोखा दे देते हैं, जैसे फिलिडाई लीफ इंसेक्ट्स। यह कीड़ा बिल्कुल पालक के पत्तों की तरह दिखाई देता है और ज्यादातर पालक के पत्तों पर ही पाया जाता है। वैसे ये इंसेक्ट्स न केवल पालक में पाया जाता है बल्कि पत्ते वाली हर तरीके की साग में पाया जाता है। फिलिडाई इंसेक्ट्स का रंग और आकार इतना ज्यादा पत्तों से मैच करता है कि इस कीड़े और पत्तों में फर्क कर पाना मुश्किल हो जाता है। यह एशिया, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के वर्षा वनों में आसानी से देखा जा सकता है। ये अपने आप को दुश्मन से बचाने के लिए वातावरण के हिसाब से रंग बदल सकते हैं। पत्तियों की तरह दिखने की वजह से इसे वॉकिंग लीफ भी कहा जाता है। डेड लीफ बटरफ्लाई। डेड लीफ बटरफ्लाई ग्रेट हिमालयी नेशनल पार्क में देखे जाने वाले सबसे आकर्षक तितलियों में से एक है। यह दिखने में एकदम सूखे पत्तों जैसी दिखाई देती है, जिसकी वजह से यह जमीन पर या पेड़ के तने पर अपने आप को बहुत खूबसूरती से छुपा लेती है। जब ये अपने पंख बंद करती है तब ये किसी सूखे हुए पत्ते के जैसे दिखाई देती है, लेकिन जब अपने पंखों को खोलती है तब इसके पंखों का रंग बहुत ही आकर्षक दिखाई देता है। खतरे को भांपते हुए ये अपने पंखों को बंद कर लेती है, जिससे ये शिकारी जीव जंतु को धोखा देती है। डेड लीफ बटरफ्लाई की सबसे खास बात यह है कि इसके पंखों का रंग सूखे हुए पत्तों के जैसा होने के साथ साथ इसके पंखों का आकार और डिजाइन